जो दुनिया में खाकर भी तेरे इश्क में करे यार, जो दुनिया में खाकर भी तेरे इश्क में करे यार, ताज्जुब है कि रहे उन पर भी बस होकर और नासा अल्लाह के साथ के गोल गोल रहा मीजाने अमल पे इन्हें तोल रहा हूँ, छोटा हूँ बोल बड़े बोल रहा हूँ, तारीफ मोहम्मत में जबा जबा बोल रहा हूँ और गिर नहीं सकती वो कश्ती कभी तो बयानी, गिर नहीं सकती वो कश्ती कभी तो बयानी, चल रही हो जो मोहम्मत की निगेबानी, और ऐसा गुलाम जो सरकार पे दरूद पढ़ता है, ऐसा गुलाम जो सरकार पे दरूद पढ़ता है, मुब्तला हो नहीं सकता कभी परेशानी, ऐसा गुलाम जो सरकार पे दरूद पढ़ता है, रंजुम की जौ न शम्स व कमर का ज़हूर था, रंजुम की जौ न शम्स व कमर का ज़हूर था, आंखें भी जब न थी तब भी मोहम्मद का नूर था, आंखें भी जब न थी तब भी मोहम्मद का नूर था, और अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नज़ारे का एक बहाना बनी, अदाए दी सराफा नयाज है किसी को देखते रहना नमाज इताई का इकराम फखर सादात आले नबी औलाद अली गुले गुलशन जहरा फदूल हजरत सादा रबना शान हजरत किबला फखर सादात पीर सैयद अली शाह कादिर कादरी चिश्ती सौरवर्ती यूसुफी अलमारूफ अली बाबा जेबे सजादा नशीन आस्ताना आलिया हज़रत यूसुफ शाह सरकार अलमारूफ गाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह और हल्का इरादत मतवस्सलीन मोहब्बत करने वाले मुरीदीन सरकारी दुआलम जाने जाना मत से ताल्लुक रखने वाले उस शाह के रसूल और दरबारे आलिया हजरत यूसुफ शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मरजाए खलाइक पर तशरीफ फरमा अकीदतमंदान कलंदर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से उसकी खास इनायत से उसके फजल व करम से उसकी बेशुमार बरकात रहमतों को समेटते हुए आज वतन अजीज पाकिस्तान और बड़े सगीर पाक को हिंद के अंदर एक ऐसी खानका पर एक ऐसे दरबारे बहर बार पर अल्लाह के वली कामिल की मरजाए खलाइक पर मेरी खुशकिस्मती की इंतहा है कि मैं उस खानकार पर हूँ कि जहाँ से लाखों लोगों में फैज पाया है और लाखों लोग पाकिस्तान के तूल अर्ज हो ये बड़े सगीर पाक को हिंद के अंदर हो उस शाह के रसूल को हजरत गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत का अमन का रवादारी का इश्क रसूल का पैगाम दिया और रहती दुनिया तक सुबह कयामत तक ये फैज बढ़ता रहेगा। मेरी खुशबक्ति है कि कुछ लम्हात के लिए आले रसूल के चुरमट में बैठ कर अहलुल्लाह की सोहबत में बैठ कर और अल्लाह के मुकर्रबीन बंदों की सोहबत में बैठ कर ये कुछ लम्हे खुशाई का मौका मिल रहा है और
और मैं फैराज पेश करता हूँ हजरत साहबजादा साहब को कि एक सैयद के दर पर आया हो कल मैदान माशर इस यकीन और इस उम्मीद के साथ इस दर पे आया हो कि हसनैन करीम मैं जब 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 अपने गुलामों को बुलाएंगे तो हमारा नाम भी उनकी वो सबसे आखिर वाली फहरिस्त में शामिल होगा, इसलिए कि हम हसनैन करीम मैं के खानदान के लड़कों थापे हुए हैं। ये हमारी कुछ नसीबी की इंतहा है। हजरत साहबजादा साहब ने मुझे हुक्म फरमाया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और जसारत कर रहा हूँ, चंद चंदे टुकड़े 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 बस हुजूर की बारगाह में सगासा आसा मौला कायनात अपने इमाम आले मकाम इमाम हुसैन की बारगाह के अंदर चंद गुजारिशात पेश कर सकूँ। मैं क्या तिफ्ल मकतब हूँ और हमेशा से कहता हूँ कि सब कुछ जो है ये उनका करम 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 ये उनकी इनायत हिनायत। मौसम भी काफ़ी ठंडा है, बारिश भी बरसने वाली है और हजरत ने बहुत कमाल नाद का रंग जमाया। मेरा दिल है हजरत की इजाज़त भी सब भी लेकर बस 5-7 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा जहाँ हुक्म देंगे। मैं चाहता हूँ शेर पेश करूँ कि सबकी ये इस वक्त अजबारों जबारी याद का नज़ूल है और मेरा ईमान है मुझे तो वो हलावत मिल रही है, वो मोहब्बत मिल रही है और अहमदुल्ला के मस्तर में बैठ कर कह रहा हूँ ए अबरे करम करम जरा थम के बरसना, ए अबरे करम करम जरा थम के बरसना, सरकार आ जाए तो जम के बरसना। ए अबरे करम करम ए अबरे करम करम जरा थम के बरसना, सरकार आ जाए तो जम के बरसना। और दिल जा रहा है, कैफियत ये बता रही है और शौक ये बता रहा है हजरत पीर साहब की मौजूदगी में कि उठा लो जाम इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठा लो जाम इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पीले पढ़कर बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। कोई पूछे कि माशर में जन्नत कौन बांटेगा, अरे कह देना रसूल अल्लाह जो होगा होगा होगा, कह देना रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और माली वाले हैं हमारा अकीदा क्या है पीर साहब, सुनिएगा कि अली वालों का अकीदा ये है कि अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, आएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे, आएंगे क्या तेरे सिर्फ आपकी सुभान अल्लाह और मस्जिद से ये इस खानकाह से और दरबार बार बार से सुभान अल्लाह ही की सदा आनी चाहिए। मैंने तो कल देख लिया है हजरत की सोहबत में रहकर एक बात तो सीख ली है मैंने कि यहाँ पे कोई और खिलाफ शरा बात नहीं होती, यहाँ एक बात होती है या खुदा की बात होती है या रसूल खुदा की तारीफ की बात होती है। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल को शाह पे छोड़ दे, खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़। और अपनी बख्शिश का तू कहने वाला होता है कौन, अपनी बख्शिश का तू कहने वाला होता है कौन, अपनी बख्शिश का तू कहने वाला होता है कौन, मुस्तफा का काम है मुस्तफा पे छोड़, मुस्तफा का काम है मुस्तफा का काम है अपनी मुश्किल सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा अली वाले मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, अरे अपनी बख्शिश का तू कहने वाला होता है कौन, मुस्तफा का काम है मुस्तफा पे छोड़ दे। मैंने कहा और ये कहता हूँ कि जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। कायनात के अंदर रूहे जमीन पर मुस्तफा का उम्मती जिस वक्त जिस लम्हे जिस लहजा मेरे करीब पर दरूद पढ़ता है रब हुक्म देता है नमाज अदा करो अरकाने खमसा पे सकात अदा करो करो खुदा की कसम अरकाने खमसा पे हुक्म दे रहा है रोजे रखने हैं ईमान वालों जहाद करना है लेकिन मौला किसने करना ईमान वालों।
करना है। बोला तू क्या करता है? बोला कहता है हजरत मैं एक काम करता हूँ, 24 घंटे हर लम्हा हर लहजा अपने महबूब पर दरूद पढ़ता हूँ। फरिश्तों को भी शामिल है, आज ईमान वालों तुम भी शामिल हो जाओ। बस दरूद का ये ऐसा अमल है कि हमारे असरात के ही सिखाते हैं कि इश्क रसूल को सीने में बसा रखा है, ये खजाना है लुटेरों से बचा रखा, ये खजाना है लुटेरों से बचा रखा है। और कैद भी कैद, क्या खूब सरूर आते हैं आपकी नाक पर, कैद भी कैद क्या खूब सरूर आते हैं। अरे ऐसा लगता है कि महफिल में हुजूर आते हैं, महफिल में हुजूर आते हैं। बावजूद बैठ के पढ़ते रहो आका पे दरूद, बावजूद बैठ के पढ़ते रहो आका पे दरूद। महफिल नात में सरकार जरूर आते हैं, महफिल नात में सरकार जरूर आते हैं। और चिराग गोल्ला पीर से ये तस्वीर शाह जब हजरत ने मुझे कल तोहफा दिया तो चिराग गोल्ला की शेर देखे, मैंने कहा यही पढ़ देगा कल ने तो फरमाया और मदीने के ताल्लुक से सुनिएगा आपको लुत्फ आएगा कि इस ख्याल के साए में मैं पेश कर रहा हूँ कि कहते हैं ये जाहिर से ऐवान मदीने की, मैं आदत के दौर के लिए पढ़ रहा हूँ, कहते हैं ये जाहिर से ऐवान मदीने के सुल्तानों के सुल्तान है सुल्तान मदीने की, तहजीब निराली तहजीब मदीने की, तहजीब निराली तहजीब मदीने की, इंसान अनोखे इंसान मदीने की, तहजीब निराली तहजीब मदीने की, इंसान अनोखे इंसान मदीने के। और शेर है ये बहरका से हर शख्स की जुबान पर सुभान अल्लाह आनी चाहिए, तहजीब निराली तहजीब मदीने की, इंसान अनोखे इंसान मदीने के। या रब किसी हीले से दरे रहमत पे पहुंचूं, या रब किसी हीले से दरे रहमत पे पहुंचूं, लेकर ही न मर जाऊं अरमान मदीने, लेकर ही न मर जाऊं अरमान मदीने के। और या रब किसी हीले से दरे रहमत पे पहुंचूं, लेकर ही न मर जाऊं अरमान मदीने के। हाजिर है नसीरा का कुछ भी किनायत हो, हाजिर है नसीरा का कुछ भी किनायत हो, सदके तेरे गुंबद पर कुर्बान, सदके तेरे गुंबद पर कुर्बान मदीने के। यूं थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। और आया है नसीरा आज यही तमन्ना लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की, पलकों से किए जाए जाए। आया है नसीरा आज यही तमन्ना लेकर, पलकों से किए जाए जाए सफाई तेरे दर की। आए हाय 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 इसी शान से। और कहने वाला कह रहा है सुनिएगा, कहने वाला कह रहा है क्यों इस शान से क्यों चिराग गोल्ला का गोला हरकत में आया। आपने फरमाए कि मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है जो रब्बे को आलम का महबूब जमाना है। और इस दरबार में बैठने वाला हर शख्स सवाए पीर साहब को छोड़कर हाथ उठाकर ये नारा बुलंद करेगा और सुभान अल्लाह कहेगा एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। और कल जिसने हमें खुद पुल से पार लगाना है, कल जिसने हमें खुद पुल से पार लगाना है, सहारा का वो बाबा है अरे हसनैन का नाना, सहारा का वो बाबा है, सहारा का वो बाबा है, शिबतैन का नाना है। हाँ आओ तेरे सहारा पे दामन को फैलाए हुए, आओ तेरे सहारा पे दामन को फैलाए हुए है नस्ल करीमों की लजपाल। वैसे हमारा जौक नहीं है, ये कोटा वालों का जौक होगा लेकिन हमारा जौक कैसा नहीं है। मैं उस महल पर आऊंगा लेकिन जरा भाई ने नारा लगाया है तो फिर नारे का जवाब भी दो, नारे तकबीर। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये
فاتح ہو تو پھر یہ نعرہ بلند کر لو، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حیدری۔ اور یہ آؤ درے، آؤ دامن کو پھیلائے ہوئے آؤ، کیسی ہے، کیا بارگاہ ہے۔ خدا کی قسم میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے آپ نے، میں اس کو کلوب کر دوں گا، مجھے بتا رہے آپ نے زیادہ آگے۔ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ذوق بھی برقرار رہے اور محبت بھی اسلام آباد تک قائم رہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے کریمہ کا کہتے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ساری کائنات کہتی ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کائنات کا ہر زبا زبا کہتا ہے، فدا کا امی یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، مولا علی مشکل کشا جا رہے ہیں، اور خدا کی قسم دیکھتے ہیں کہ زمین سے دڑک کھڑ کر میرے رسول کو سلام کر رہے ہیں، لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ کبھی کسی نے سوچا حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ نہیں بات کو سمجھا، ساری کائنات کہتی ہے فاطمہ، فاطمہ کے بابے کے حوالے سے ہے، فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ، ہماری نسل آقا آپ پہ قربان۔ حضور کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضور کہتے ہیں فاطمہ، اور ادھر ایک پر شانہ نبوت پہ، ادھر وہ ایک امام عالی مقام امام حسین ہے، دوسرے میں آپ کا شہزادہ ہے اور رب کی طرف سے پیغام آتا ہے، دونوں میں سے ایک چوز کر لو۔ ادھر دیکھتے ہیں حسین ہے، ادھر دیکھتے ہیں شہزادہ ہے، فرمایا اس کے لیے میں رہوں گا، اور ادھر جو حسین ہے ادھر میں بھی رہوں گا، سیدہ کائنات بھی رہوں گی، اور میرے سے خدا کی قسم فاطمہ کا برداشت نہیں۔ یہ وہ حسین کی ماں ہے۔ کل میدان محشر، محشر والوں کو حکم ہوگا، اے محشر والوں نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، میرے مصطفیٰ پہ دامن تو پھیلائے ہوئے، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے، اور کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کرانا ہے، اور عزت سے کیوں نہ مر جائیں نام محمد پہ، عزت سے کیوں نہ مر جائیں نام محمد پہ، ہم نے یوں ہی کسی دن دنیا سے گزارنا ہے۔ شیر پر وہ انڈیا کا ایک شاعر ہے، اس کا ایک شیر یاد آ رہا ہے، میں ذہن کے دریچوں میں لا رہا ہوں۔ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے، اگر شمس و قمر کو میرے ہاتھوں میں لا دو، کونین کی دولت کو میرے دامن میں چھپا دو، اور کال کا پرساد سے پوچھے تو کیا لے، نالے نے محمد کو آنکھوں سے لگا لے، نالے نے محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ نال کا سلسلہ ہے، مجھے حضرت نے کوئی وقت نہیں دیا، لیکن میں حضرت کے وقت کو دیکھ کر، آپ کی مسکرات کو دیکھ کر، یہیں پر نال کے سلسلے کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور پھر جو حکم ہے اس کی تکمیل کرتے ہوئے چراغ گوڑلا کے اس شیر کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے، کہ خدا جسے اوجھے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکٹ میں ڈال دیتا ہے، خدا جسے اوجھے کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو کسی کو یا علی کہو، پرکھنا ہو کسی کو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ جب تک یہ ذوق نہ پیدا ہو تو ہم تو آگے چلتے ہی ہیں، اور یہ حیدر حیدر شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کوئی دیوانہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں حیدر حیدر؟ میں نہیں کہتا، حضرت بھی بیٹھے، میں نہیں کہتا،
सुनिएगा मेरे रसूल कह रहे हैं और कहने वाले कौन है, रसूल है और पूछने वाले जनाबे सिद्दीक अकबर हैं। गारे जार कहते हैं, मजारे जार कहते हैं, जब से आका से सुना ना मौला का चेहरा देखना इबादत है, फर्ज नमाजों के बाद बस मैं मौला के चेहरे को तकता रहता हूँ। और फरमाया ये भी यहाँ रुके नहीं, फरमाया मौला दूर से जा रहे हैं, फरमाया मौला की पीठ देखना भी इबादत। और फिर सुनिएगा, फरमाया जाहिर तौर पे मौला कायनात नहीं होंगे, फरमाया कोई सारी रात अली अली करता रहे तो समझ लो वो इबादत। तो फिर जरा ज़ौक पैदा कीजिए, चाहे दो है या दस है, मेरा ईमान है इधर मुहर्रम शुरू होने वाला है। और आइए जरा मौला की बारगाह में हाजिर लगवाते हैं, एक नारा बुलंद कर दीजिए ताकि आज मेरे शाही हजरत शाह यूसुफ सरकार खुश हो जाए और कहे कोई दीवाना आया था, अली अली कर कर गया है शहजादे कल में नारे माशर हमारी भी लाज रख ले। बुलंद कर ले, रात को सो जाए हमारा वक्त जाग जाए। और तू क्या है, क्या तेरे इल्म की बसात तुझ पे नसीर सारा करम अली का है, तुझ पे नसीर सारा करम करम अली का है। और क्यों है, हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा, इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में, नारा हैदर मेरे कौम का बच्चा बच्चा बोला। बुलंद करने वाला नारा हैदर है, बुलंद करे कोई नारा बुलंद करे। अगला शेर पढ़ दो वापस से, नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। किसने किया है
दावा सुनी कि कौन है शहर इल्म का दर मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर खुतबा खुतबा बोलेगा और दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर बोलने वाला दार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा और होती है ईमान की दुश्मन भुक्से अली की बीमारी जिसको ये बीमारी है जिसको ये बीमारी है मोमिन और मुनाफिक की पहचान मैं नहीं रसूल दे रहे हैं मोमिन के चेहरे के खिलाओ के मुनाफिक का मजाय आता है जिसको ये बीमारी है वो उल्टा सीधा बोलेगा संभाले कलेजे का चैन कहते हैं ईमा शही मशी कैन कहते हैं जिसे खुदा के सिवा कुछ याद न रहे जबाते इश्क में से हुसैन कहते हैं तहारत के मुकद्दस का जहन बैठा है मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है मेरे महबूब सजदों को जरा लम्बा कर दे मेरी पुष्ट पर मेरा हुसैन बैठा है क्यों क्यों पुष्टों से हूँ नसीर मंगला हुसैन का फिर से वे पाया है मैंने सदका हुसैन का नबियों की रोजे हश्र ये फरमाइश ना हो आजान हो बिलाल की पर सजदा हुसैन का आजान हो बिलाल की क्योंकि नौके नेजा पे जो सर रखते हैं वो जमानों की खबर रखते हैं पुखले दरिया से हमें क्या मतलब तो कौसर पे नजर रखते हैं और हो जिन्हें जिंदानों से मोहब्बत सांस लेने का हुनर रखते हैं शेरे खंजर भी हुसैन इब्ने अली हम गरीबों की खबर रखते हैं शेरे खंजर भी हुसैन इब्ने अली हम गरीबों की खबर रखते हैं और हजरत का पंजाबी निजा एक शेर है जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह वायरल हुआ है कि जमाने को मंच के स्कोल दिखा है मोहब्बत का अजब असर दिखा है अली के बच्चियां को कुर्बान बिंजा जिनों को चुंदा रसूल दिखा है अली के बच्चियां को कुर्बान बिंजा जिनों को चुंदा रसूल दिखा है क्योंकि मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की सांसों में पट रही है सहावत हुसैन की बाजार के हुजूम से कैदो चुप रहे कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की और क्यों कर रहा है शरीयत इनके घर की है इमामत इनके घर की है दयानत इनके घर की है विलायत इनके घर की है नबूवत इनके घर की है शराफत इनके घर की है और हम जैसे निखम्बों को बख्शवाना ये आदत इनके घर की है शरीयत अगर जर खरीद हो जाती सब अमीरों की ईद हो जाती तरस न खाते हुसैन इब्ने अली सारी दुनिया यजीद हो जाती तेरे दिल पे ये कैसे गिरा पड़े तुझे उनसे इतना हसद है जो नबी की आंख का नूर है जो अली की रूह का चैन है कभी देख अपने खमीर को कभी सोच अपने जमीर से जो मिट गया वो यजीद था जो न मिट सका जो मिट गया वो यजीद था जो न मिट सका हुसैन का आलम आज भी बुलंद है आज भी हुर उस काफले का साशा सवार है आयो मिलकर जरा इस उम्मीद के साथ इस यकीन के साथ नारा लगाओ हुसैनी ताकि हमारी नस्लें भी उस मैदान महशर भी आए ये नारा लगाते हुए पुल से गुजर जाए मिलकर नारा लगाइएगा तो जुबान खामोश न रहे मेरे ख्वाजा ने कहा था कि शाह असद हुसैन बादशाह असद हुसैन दी असद हुसैन दी पना असद हुसैन सरदार नकार दर दस्ते जजी हक्का के बिना आयदा असद हुसैन थोड़ा सा बस एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लीजिए हम भी उस हुर की फहरिस्त में हैं हुर से इमाम की बारगाह में मुकालमा हुआ हजरत हुर ने क्या क्या जमानत देते मैं आपके काफिले में एक पलट में हुर की जिंदगी बदली इमाम ने फरमाया हाँ कल मैदानी महशर और मैं तुझे जन्नत की गारंटी देता हूँ मैं अपने नासा नाना से तेरी सिफारिश करूंगा हुर ने कहा फिर इमाम आप पे सब कुछ कुर्बान है आज
जब जब हुसैन का नाम ले रहे हैं जनाब हुर का भी नाम लिया जाता है और सैयदा तैयबा का वो तारीख खुतबा आज भी सुनहरे हुरूम में याद है और कहने वाला कह रहा है क्योंकि मुहर्रम आने वाला है कभी शबीर दुनिया को दिखाया नहीं जाता ज़बान पर किस्सा है कर वो बना लाया नहीं जाता मैं कैसे कहूँ तुमको उम्मते मोहम्मदी नबी के लाडले को खून में नहलाया नहीं जाता और इस दरबार से मोहब्बत करने वालों आले रसूल से मोहब्बत करने वालों आखिरी जुमला है कहा शबीर ने जितनी जुबान पे मोहब्बत बैठी है जुबान के अंदर भी दिल के अंदर भी इस बड़ी मोहब्बत के दार सुभान अल्लाह से करना है बड़ा शेर है कहा शबीर ने तीरों को चले आओ कहा शबीर ने तीरों को चले आओ हमारे घर से खाली हाथ लुटाया नहीं जाता हमारे घर से ये घराना ऐसी घराना है कहा शबीर ने तीरों को चले आओ हमारे घर से खाली हाथ हाथ लुटाया नहीं जाता कभी शबीर दुनिया को दिखाया नहीं जाता ज़बां पर किस्सा है कर्बला लाया नहीं जाता मैं कैसे कहूँ खूफियों तुमको उम्मते मोहम्मदी नबी के लाडले को खून में नहलाया नहीं जाता मैं इन्हें अशार पर इत्तफा करता हूँ क्योंकि वक्त वक्त बिल्कुल बिल्कुल नमाज इशा होने वाला है और हज़रत नबी के पैगंबरों के अलावा के इज़हार फरमाना है मैं इस रही से आया हूँ इस उम्मीद से आया हूँ हज़रत के कदमों पे हाथ रख कर ये कह रहा हूँ कि बस जहाँ भी जहाँ भी दुनिया भर में मैं अक्सर अपने टॉक शोज में भी कहता हूँ कि ये दलील ना मांगा करें आप सैयद कहाँ से हैं मैं तो ये कहता हूँ कि सैयद का सैयद होना ही काफी इससे बड़ी दलील कोई नहीं और मेरे रसूल ने कहा था दो चीज़ें छोड़े जाना आका वो क्या क्या हमारे एक कुरान और एक के तरफ इनको थामो रहोगे खुदा की कसम कभी घबरा नहीं होंगे ये एहसान माने अल्लाह का हमारा दामन आले रसूल में है हमें इस यकीन के साथ अशर वाले दिन के हाथ पकड़ कर हमें जन्नत में ले जाएंगे अल्लाह करीम हमारी इस काविशों को हमारा यहाँ बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए हमेशा की तरह इस दुआ के साथ इस उम्मीद के साथ इस यकीन के साथ ऐ रब्बे कायनात पंचतन पाक के खालिक इस कौम का दामन इसके रसूल से भर दे बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दे जवानों को मिले बलबला ए उम्मे मोहम्मद हर एक जवान अली अकबर का जिगर दे माओ को सिखा सानिए सहरा का सलीका माओ को सिखा सानिए सहरा का सलीका बहनों को सकीना की दुआ का असर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इल्लाह